नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की बारासवनी पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। बारासवनी पुलिस द्वारा इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। बारासवनी पुलिस द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चोरी की घटनाओं को रोकने और अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी। 25 मई को बारासवनी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर आरोपी इमरान खान उम्र 32 वर्ष निवासी कस्बी टोला राम पायली को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर बारासवनी लाया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा नशे के शौक को पूरा करने के लिए 7-8 महीने में बालाघाट बारासवनी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से अलग अलग समय में अब तक 20 मोटरसाइकिल की चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरी के इन वाहनों को कम दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाया करता था। चोरी के वाहन खरीदने वाले और वाहन चुरा कर बेचने वाले ये लोग मिलकर एक संगठित गिरोह चला रहे थे। आरोपियों से जब्त की गई 19 मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया सूचना मिली थी बारासवनी थाना प्रभारी और उसके टीम ने पिछले कुछ दिनों से जो बाइक चोरी घटनाएं बालाघाट जिले में हो रही थी उसमें एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बारासवनी थाने में इसने काफ़ी अच्छी मेहनत करके और जो क्राइम है उसकी तह तक जाके ना सिर्फ चोरी करने वाले आरोपी को बल्कि जो बीच में एजेंट है जो इसके चोरी की वाहन बिकवाता था और ऐसे लोग जो जानबूझकर चोरी के ही वाहन खरीदते थे जानते हुए कि चोरी के ना सिर्फ जानते हुए बल्कि कई बार उनके द्वारा डिमांड भी की जाती थी कि साहब हमें इस बाइक की डिमांड आ रही है और हमें ये मॉडल का भी चोरी करवा दे दीजिए। तो इस पूरे गिरोह को करीब कुल 9 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इन 9 लोगों के पास से 19 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और इसमें अभी इनकी डिमांड भी ली जाएगी और भी पूछताछ की जाएगी तो संभवतः और भी कुछ वाहनों के बरामद होने की संभावना है। सर, तेंदुपत्ता तुम्हारे काम चालू द्वारा ज़्यादा जानते हैं। तेंदुपत्ता बालाघाट का एक काफ़ी विशेष जो है वन उपज है जिसमें हमारे जो स्थानीय निवासी हैं वो उसके तोड़ने में से लेके कभी आर्थिक रूप से उससे जुड़े हुए रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई का जो लाभ है इनफैक्ट उसमें नक्सल द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लगातार लिया जा रहा है कि उनको धमका के या किसी तरह का दबाव बना के पैसे की मांग की जाती है। इस बार ऐसा ना हो, पिछले साल भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की थी और इस बार भी ऐसा ना हो उन तक पैसा जो अगर वसूली करना चाह रहे हैं नक्सल उन तक ना पहुँचे तो स्थानीय लोगों की मदद से ठेकेदारों की मदद से जो साथ में वहाँ पर भी कार्यरत हैं ग्रामीण हमारे